अचानक दौरे का मकसद और क्या महसूस किया, क्या कमी थी अस्पताल में? चाँद सदा के तमाम रहने वालों को ईद मुबारक। एक खास ईद थी जिसको हम रिवायती तौर पे नहीं मना सकते थे, तो जहाँ पे मौका मिला मैंने पेशावर में, नौशहरा में और अभी चाँद सदा में हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शन सरप्राइज तौर पे करने की कोशिश की। आज आपको पता है कि ईद के दिन पे बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज खुली होती है, तो खुशाइन बात तो ये थी कि पेशेंट्स जो है वो आ रहे थे। लेकिन जो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे पहले भी दौरा किया था, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश थी और अभी भी काफ़ी गुंजाइश है जी। अफसोस होता है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत है वो बेहतर हो, लेकिन जो हमारा सरकारी निज़ाम है उसमें इस टाइप के इशूज़ जो है वो होते हैं। सफाई का निज़ाम ख़ास तौर पर फ़िलहाल जो हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो इससे बहुत बेहतर हो सके। एक तो चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट है, हम अपने सारे DHQs जो है वो रीवैम्प और अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें आपके चार सदा के DHQ पे भी 50 करोड़ रुपए तकरीबन लगेंगे। पहले जो 6 अस्पताल हैं जो रीवैम्प होंगे उनमें से चार सदा का DHQ एक। लेकिन इसके अलावा भी हमने इस पर काम करना है, हमने सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट्स नहीं करने, इसलिए इसके बाद मैं MS को और DMS दोनों को बुलवाऊंगा और इनको एक महीने में मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखानी होगी। इसकी फीडबैक मैं आपसे भी मांगूंगा। हम जितना भी काम करें हमारे हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, लेकिन अगर पब्लिक की सपोर्ट हो, मीडिया की अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट हो, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से सिर्फ मैं नहीं लेकिन डिपार्टमेंट के सीनियर स्टाफ इस सरप्राइज दौरे करें ताकि जो स्टाफ है वो ऑन देयर टोज हो और अपना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।